नमस्कार, मैं हूं एआई एंकर सना। गुजरात टाइटंस ने आईपीएल सीजन 17 का आगाज धमाकेदार जीत के साथ किया है। आईपीएल 2024 के पांचवें मैच में गुजरात ने पांच बार की चैंपियंस मुंबई इंडियंस को हराया। गुजरात टाइटंस ने 168 रन का स्कोर खड़ा किया था और उसकी गेंदबाजी की कमान एक तरह से मोहित शर्मा ने ही संभाली थी। हरियाणा के तेज गेंदबाज पिछले सीजन से ही शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने इस बार भी किसी को निराश नहीं किया। उन्होंने टिम डेविड और डेवाल्ट ब्रेविस को आउट करके दो महत्वपूर्ण विकेट लिए। मोहित शर्मा के पास 2021 और 2022 में आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, लेकिन उन्होंने 2023 में वापसी की और 27 विकेट के साथ पर्पल कैप लिस्ट में दूसरा स्थान हासिल किया। उनसे आगे मोहम्मद शमी थे जिन्होंने 28 विकेट लिए थे। इस सीजन में भी मोहित शर्मा की शुरुआत अच्छी रही है, लेकिन इस बार उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी होगी क्योंकि गुजरात के साथ उसके प्रमुख गेंदबाज मोहम्मद शमी नहीं है। वो फिट न होने की वजह से बाहर हैं। गुजरात टाइटंस अपने दूसरे लीग मैच में चेन्नई सुपर किंग्स से भिड़ने की तैयारी कर रही है। कप्तान शुभमन गिल को उम्मीद होगी कि मोहित की तेज गेंदबाजी में नजर आ रही धार बरकरार रहे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों मोहित शर्मा आईपीएल 2024 में गुजरात टाइटंस के लिए सबसे मजबूत प्लेयर हैं। पहली वजह, डेथ ओवर्स में कमाल की गेंदबाजी। पिछले सीजन में गुजरात की सफलता के पीछे एक बड़ा कारण डेथ ओवरों में उनके गेंदबाजों का प्रदर्शन था। इस डिपार्टमेंट को मोहित शर्मा ने कुशलता से संभाला था। इस अनुभवी गेंदबाज ने पिछले सीजन में 27 विकेट लिए थे जिनमें से 14 डेथ ओवरों में आए थे। पिछले सीजन में डेथ ओवरों में उनकी इकोनॉमी भी शानदार थी, ये 8.76 की थी। मोहित शर्मा ने इस सीजन में अच्छी शुरुआत की है। उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपनी गेंदबाजी का स्तर दिखाया है। अब गुजरात टाइटंस के प्रशंसकों को उम्मीद होगी कि ये तेज गेंदबाज अपनी स्लो डिलीवरीज और कटर से बल्लेबाजों के लिए परेशानी खड़ी करता रहे। दूसरी वजह, आत्मविश्वास से लबरेज होना। मोहित शर्मा ने आईपीएल 2014 में पर्पल कैप अपने नाम की और फिर आने वाले सीजन में कुछ फ्रेंचाइजी के लिए खेलते रहे। हालांकि हरियाणा के इस तेज गेंदबाज के लिए 2021 और 2022 मुश्किल वक्त रहा। इस दौरान उन्हें आईपीएल में नहीं चुना गया था। मोहित 2022 में गुजरात के लिए नेट गेंदबाज थे और बाद में 2023 की नीलामी में उन्हें गुजरात की टीम ने ही चुना था। टीम फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स से हार गई, लेकिन मोहित शर्मा के लिए ये सीजन यादगार रहा। आईपीएल 2022 में नेट गेंदबाज बनने से लेकर अगले सीजन में दूसरे सबसे सफल गेंदबाज बनने तक यह एक बड़ी उपलब्धि थी। अनुभवी गेंदबाज मोहित शर्मा इस सीजन में गुजरात के लिए सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन सकते हैं। वो आत्मविश्वास से भरपूर हैं और उनके पिछले रिकॉर्ड भी शानदार हैं। मोहम्मद शमी की अनुपस्थिति में मोहित को इस सीजन में और ज्यादा योगदान देना होगा और वो इस चुनौती का आनंद भी लेना चाहेंगे। मुंबई के खिलाफ खेले गए मैच में उनके प्रदर्शन से साबित हो गया कि उनके पास अभी भी फ्रेंचाइजी को देने के लिए काफी कुछ है। तीसरी वजह, T20 क्रिकेट में शानदार अनुभव और दबाव में प्रदर्शन की काबिलियत। मोहित शर्मा 2014 T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के लिए खेले थे। 35 वर्षीय खिलाड़ी के पास 100 से अधिक आईपीएल मैचों का अनुभव है। मोहित ने 101 मैच खेले हैं और उनके नाम पर 121 विकेट हैं। गुजरात टाइटंस के पेसर एक दशक से T20 खेल रहे हैं और जानते हैं कि दबाव में कैसे प्रदर्शन करना है। ये उन्होंने आईपीएल 2023 में मुंबई के खिलाफ क्वालिफायर 2 में भी दिखाया था। इस बीच आईपीएल 2024 अभी शुरू हुआ है और मोहित ने शमी की अनुपस्थिति में पहले मैच में अपने प्रदर्शन से फैंस को प्रभावित किया है। जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा, शर्मा गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगे। आपको ये पेशकश कैसी लगी, हमें जरूर बताएं। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।